हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज अकाउंट्स का हम 29th लेक्चर देखेंगे। 29th लेक्चर, इससे पहले पिछला हमारा 28th लेक्चर आज दिन में आया था और आज अब हमारा 29th लेक्चर है। इसके बाद हमारे एक पार्ट और आएगा और उसमें हम चैप्टर 4 क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंट्स का चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे इस अकाउंट्स 12th क्लास में, या जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, 11 चैप्टर हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से 10 या 12 दिन के अंदर ये सारा कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है और ये हो सकता है 100%, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ से कुछ आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28 में भी आपको बताया था और लेक्चर नंबर 27 में भी आपको बताया था। जो हमने न्यूमेरिकल कराए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 27 के जो न्यूमेरिकल हैं उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे ईपीएफओ के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और डायरेक्टली बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको नंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, वरना क्वेश्चंस बिल्कुल वही पैटर्न पर एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। और आज के लेक्चर में हम इस जो लेक्चर अब शुरू करने जा रहे हैं 29th, इसमें हम थोड़ा थ्योरी पार्ट देखेंगे और इसके आगे, इसके बाद से फिर जो हमारे आएंगे फिर उसमें न्यूमेरिकल्स हैं और इसलिए हम थोड़ा आराम से इसको कवर कर रहे हैं। एक लेक्चर में एक ही टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल्स आपके इजीली कवर हो जाएं। तो अगला लेक्चर जो आएगा लेक्चर नंबर 30, उसमें भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। हमारा जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 4 हम करा रहे हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक देख चुके हैं, सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण, एसरटेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभिलाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो, ख्याति, इन 3 टॉपिक को हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 चैप्टर 4 पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ख्याति का व्यवहार, इसको हमने अभी पिछले लेक्चर में, आज दिन के लेक्चर में देखा था, पार्ट 2 में देखा था। यह हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2 था। अब आज के लेक्चर में हम परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसे देखेंगे। संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन, इस टॉपिक को देखेंगे। और ब्रॉडली हम आज सिर्फ और सेवानिवृत्त साझेदारों को देय राशि का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन सारे 4 टॉपिक को देखेंगे। और इनके पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो हम लेक्चर नंबर आपको 30 में कवर कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें काफ़ी हैं और एक ही लेक्चर में अगर हम आपको समझाते तो थोड़ा आपके लिए बोरिंग भी हो जाता और समझने में भी परेशानी होती। हम आपको ईजिली एकदम स्मूथ वे में एक सिंगल लेक्चर में इसके इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा आज का पहला टॉपिक है परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। साझेदार को साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर कुछ परिसंपत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्शाया जाता, तथा इसी प्रकार कुछ दायित्वों के मूल्य तथा फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्यों में अंतर होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ परिसंपत्तियां ऐसी भी होती हैं कि जो पहले ली गई हों और फर्म का जो साझेदार है वो बाद में रिटायर हो रहा हो, 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद, तो जाहिर सी बात है जो मार्केट वैल्यू होगी उस एसेट्स की चेंज हो चुकी होगी। इसी तरह जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज की भी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। हो सकता है कुछ लोन लिया हो किसी से, देनदारी जो आपको वापस करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ते चढ़ते वो अगर पहले 100 रुपये का था वो उस पर ब्याज, तो वो 20 साल बाद मान लीजिए हो सकता है वो 500 रुपये का हो गया हो। तो इस तरह लायबिलिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं और फर्म के एसेट वैल्यू में भी चेंजेस हो सकती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसी गैर अभिलिखित परिसंपत्तियां भी होती हैं, ऐसी नॉन रिकॉर्डेड एसेट्स भी होते हैं जिनको बुक में दर्ज नहीं किया जाता लेकिन पुस्तकों में लाए जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि साझेदार के प्रवेश की स्थिति में पढ़ा गया है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते को परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन करने तथा गैर अभिलिखित मदों यानी कि नॉन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड जो आइटम्स हैं उनको फर्म की पुस्तकों में लाकर अभिलाभ यानी कि हानि की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है, और इसे सभी साझेदारों के जिसमें सेवानिवृत्त या मृत साझेदारों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें रोजनामचा प्रविष्टि हम देखते हैं कैसे होती है। पहली कंडीशन तो इसमें यह होती है, यदि परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई हो तो परिसंपत्ति खाते को व्यक्तिगत इंडिविजुअल में नाम पक्ष में यानी कि डेबिट साइड लिखा जाएगा,
डेबिट साइड पुनर्मूल्यांकन खाते से और परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर। दूसरी कंडीशन होगी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, उसमें भी पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। इसी तरह तीसरी कंडीशन है दायित्वों के राशि में वृद्धि होने पर, अगर लायबिलिटीज़ हैं और लायबिलिटीज़ में वृद्धि हुई है तो उसमें भी पुनर्मूल्यांकन खाते को नाम पक्ष में यानी कि डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैसा देना है, जिस जो क्रेडिटर है जिसने पैसा आपको उधार दिया था उसको पैसा चुकाना है, इसलिए जब फर्म चुकाएगी तो उसे डेबिट साइड लिखा जाएगा। इसी तरह चौथी कंडीशन होती है दायित्वों की राशि में कमी होने पर, तो दायित्व खाता जो है, अब दायित्व खाता जो है अलग, लायबिलिटीज़ अकाउंट जो है वहाँ पर नाम पक्ष में लिखा जाएगा क्योंकि वहाँ से पैसा कम हो रहा है, तो वहाँ पर डेबिट साइड लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर दायित्व की राशि में कमी जब होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाते में, पुनर्मूल्यांकन जो खाता होगा, जो फर्म का जो कैपिटल अकाउंट होगा, उसके क्रेडिट साइड लिखा जाएगा अगर लायबिलिटीज़ में कमी हो रही है, और लायबिलिटीज़ अकाउंट जो है उसके नाम पक्ष में लिखा जाएगा। पांचवी कंडीशन है गैर अभिलिखित परिसंपत्तियों के लिए, नॉन रिकॉर्डेड में परिसंपत्ति खाते को नाम पक्ष में लिखा जाएगा। गैर अभिलिखित दायित्वों के लिए इसमें भी पुनर्मूल्यांकन खाते को नाम पक्ष में लिखा जाएगा, जो नॉन रिकॉर्डेड दायित्व हैं, लायबिलिटीज हैं। इसके सारे इस पर बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं उसे हम अपने अगले लेक्चर लेक्चर नंबर 30 में आने वाले लेक्चर में देखेंगे, तो इसलिए आप परेशान ना हो। फिर इस एक लास्ट कंडीशन ये होती है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि के वितरण के लिए, तो पुनर्मूल्यांकन खाते को नाम पक्ष में और सभी साझेदारों का पूंजी खाता उसके भी नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो इसको हमने एक थोड़ा ब्रीफ में देखा है, अभी हम डिटेल में इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही देखेंगे, इसलिए हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल हम आपको स्मूथ वे में कराएंगे ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कभी कभी तुलन पत्र में यानी कि बैलेंस शीट, तुलन पत्र क्या होता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में संचित लाभों को सामान्य संचय यानी कि जनरल रिजर्व, संचय क्या होते हैं, रिजर्व, सामान्य संचय मतलब जनरल, जनरल रिजर्व्स तथा संचय कोष, जनरल सॉरी रिजर्व फंड तथा संचित हानियों को लाभ तथा हानि खाते के जमा शेष के रूप में दर्शाया जाता है। अब सेवानिवृत्त या मृत साझेदार अपने भाग के संचित लाभों को का तथा संचित हानियों यदि कोई है इसका अधिकारी होगा, यानी सेवानिवृत्त जो मृत साझेदार जो है वो अपने भाग के संचित लाभों का भी साझेदार होगा, उसको पाने की हक होगा, और संचित हानियां जो हैं, रिजर्व जो लॉसेस हैं उसको पाने का भी वो अधिकारी होगा, यानी कि संचित हानियां जो हैं वो उसके अकाउंट से काटी जाएंगी और जो लाभ हुए हैं वो उसको क्रेडिट किए जाएंगे, वो उसको लाभ उसको क्रेडिट किए जाएंगे और जितने लॉसेस हैं वो उसके अकाउंट से डेबिट किए जाएंगे। तो ये संचित लाभ या हानि सभी साझेदारों से संबंधित है तथा इनको सभी साझेदारों के पूंजी खातों में, कैपिटल अकाउंट में, उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि जो संचित लाभ और हानि है वो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही, मान लीजिए जैसे एक्स वाई और जेड 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं और इसमें वाई रिटायर हो रहा है तो जितने भी लाभ और हानि होंगे वो तीनों के अकाउंट से इसी अनुपात में एडजस्ट किए जाएंगे। अगर लाभ हो रहा है तो वाइज को भी उसी प्रॉफिट, उसी रेशो में प्रॉफिट दिया जाएगा, और हानि हो रही है तो हानि भी इसी रेशो में इसके अकाउंट से डिडक्ट की जाएगी यानी कि डेबिट की जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसके जाने के बाद इनका एक्स और जेड का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मान लीजिए वो 5:3 हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इस रेशो के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसको एडजस्टमेंट जो किया जाएगा तीनों में वो पुराने रेशो पर ही किया जाएगा। इसमें है संचित लाभों का हस्तांतरण करने पर जो संचय खाता है, रिजर्व फंड अकाउंट जो है उसमें नाम पक्ष में एंट्री की जाएगी यानी कि डेबिट साइड सभी साझों के साझेदारों के पूंजी खाते से, और संचित हानियों के होने पर सभी साझेदारों का पूंजी खाते से नाम पक्ष में फिर भी इसमें भी डेबिट साइड एंट्री की जाएगी। लाभ व हानि खाते से संचित हानियों का साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरण, अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे इसमें। जब साझेदार वर्ष के मध्य सेवानिवृत्त होता है, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स इन द मिडिल ऑफ द ईयर, सामान्यतः एक साझेदार की सेवानिवृत्ति लेखांकन वर्ष के अंत में ही होती है। जहां एक साझेदार लेखांकन वर्ष के बीच में सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है, ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार को हिस्सेदारी स्वरूप पिछले लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक व हानि का अंश, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि है तो ये सब दे होगा, यानी कि जो तुलन पत्र है उसको लेखांकन वर्ष की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक, रिटायरमेंट वाली डेट तक जितने भी उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको प्रॉफिट हुआ है या हानि हुई है या उसको जितना भी उसकी कैपिटल पर ब्याज उसको प्रोवाइड किया जाएगा,
या जितना भी ड्राइंग उसने करी है उस पर उससे लोन लिया जाएगा, ये सारा ही उसको दे होगा, सारा ही एडजस्टमेंट उसके अकाउंट से किया जाएगा, चाहे वो 2 महीने एक्स्ट्रा हो या 3 महीने हो या पूरा साल हो। यहाँ मध्य अवधि के लिए लाभ या हानि की गणना मुख्य समस्या हो सकती है, जिसे पूर्वदत्त तुलनपत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक ज्ञात किया जाएगा। यानी कि पूर्वदत्त यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपको पता है क्या, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब मान लीजिए कोई बंदा कोई व्यक्ति जून में रिटायर हो रहा है, 1 जून को रिटायरमेंट ले रहा है, 1 जून को रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग इसी डेट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा 3 महीने का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको मेंटेन या एडजस्ट करके दिया जाएगा। अब हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा है वर्ष के लिए माइगा शबनम, ये माइगा शबनम और विपुल साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं। अब वे 5:4 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। इसमें माइगा है, शबनम है और विपुल है, ये 5:4:1 के अनुपात में साझेदार है। इस वर्ष की समाप्ति पर फर्म का लाभ 1 लाख रुपए, यानी कि 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है इसकी समाप्ति पर जो लाभ है फर्म का वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। विपुल किन्हीं कारणवश 30 जून 2019 को सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है। अब विपुल मार्च की जगह जून 2019 को, तो 31 मार्च से जून तक कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई और जून, क्योंकि जून पूरा किया उसने 30 जून तक, जून, तो ये 3 महीने एक्स्ट्रा हैं, ये 3 महीने 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा हैं। अब इसको इसका एक्स्ट्रा मंथ का जो बेनिफिट हो या डिडक्शन हो लॉस हो वो सारा इसका एडजस्ट किया जाएगा। तो सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है विपुल को। सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभ विभाजन अनुपात जो है वो 1:1 तय हुआ है, यानी कि जो बचे हुए 2 साझेदार हैं माइकल और विपुल, वो सॉरी शबनम, इन दोनों में जो नया साझेदारी अनुपात है वो 1:1 है, यानी कि ये बराबर बराबर हिस्से में बराबर बराबर बांट रहे हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रैल 1 से जून 30 जून 2019 तक विपुल की साझेदारी की गणना इस प्रकार होगी। 31 मार्च 2017 तक कुल लाभ कितना है फर्म का, 1 लाख रुपए। अब विपुल का अंश कितना होगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंटू 3 महीने का देखेंगे ना, क्योंकि वो 3 महीने एक्स्ट्रा कर रहा है, 3/12 इंटू, अब इसका हिस्सा कितना है, क्योंकि इसको 3 महीने का देना है और इसको इसके हिस्से के अनुपात में देना है, हिस्सा कितना है माइगा का, माइगा के रिटायर कौन हो रहा है, विपुल रिटायर हो रहा है, तो इसका हिस्सा कितना था, 5:4, 9/10, 5/10 माइकल का था, माइगा का, शबनम का 4/10 और इसका 1/10। तो सॉरी, ये विपुल की नहीं, कारणवश 30 जून सेवानिवृत्ति लेता है, विपुल की सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभ विभाजन अनुपात। तो यहाँ हमने कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, वो इसमें आपको जो माइका शबनम और विपुल हैं इसमें विपुल रिटायर हो रहा है, तो विपुल की जो हिस्सेदारी है यहाँ विपुल की 5:4 और ये शबनम है, शबनम यहाँ है, तो इन दोनों की साझेदारी ऐसी है, तो विपुल का हिस्सा कितना है 4/10, तो और ये 3 महीने के लिए 3 महीने बाद रिटायर हो रहा है, तो 3 महीने का इसको 4/10 के अनुपात में इसका हिस्सा दिया जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो बचेगा 10,000 बचेगा, फिर 10,000 इंटू 3/12 इंटू 4, तो 3 × 3, 3 × 12, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 10,000 रुपये अमाउंट जो आएगी वो इसकी 3 महीने की एक्स्ट्रा अमाउंट विपुल की आ जाएगी। अब विपुल का अंश जो आ रहा है वो इसकी हिस्सेदारी का 10,000 रुपये आ रहा है। अब रोजनामचा प्रविष्टियां किस प्रकार होंगी, लाभ व हानि, उचंती खाता। उचंती खाता अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी अकाउंट्स की शुरुआती वीडियो देख सकते हैं, शुरुआती वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक, उसमें आप देख सकते हैं हमने उचंती खाते को डिटेल में बताया है, एकदम एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आप उसको लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। विपुल के पूंजी खाते से 10,000 रुपये जा रहे हैं और लाभ और हानि खाते में नाम पक्ष में 10,000 रुपये जमा पक्ष में लिखे जाएंगे। विपुल का लाभों में अंश पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। अब वैकल्पिक रूप से यदि विपुल को लाभों में हिस्सेदारी की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है, अगर उसको पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी, तो इस तरह आपको ये सारा डेटा दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ आएगा। तो अगर मान लीजिए 2016-17 का जो कंपनी का लाभ था, फर्म का लाभ 1,36,000 रुपये, इसी तरह 2017-18 का 1,54,000 रुपये और 2018-19 का 1 लाख रुपये। अब विपुल को लाभों में हिस्सेदारी अगर पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर दी जाती है, तो औसत लाभ कैसे निकालेंगे, इन 3 वर्षों का लाभ प्लस एक इन 3 वर्षों का जोड़ लेंगे हम लाभ और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो देख लें कितना आएगा, 1,36,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1 लाख, तो आपका आ जाएगा 3,90,000, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1,30,000 रुपये ये औसत लाभ आ जाएगा, 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो विपुल का लाभांश कितना आएगा, 1,30,000, ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। विपुल का अंश कितना है, 4/10 है और इसने कितने मंथ बाद रिटायरमेंट लिया है, 3 मंथ है,
3 मंथ बाद, तो 3/12 हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 1,13,000, 1,30,000, सॉरी 1,30,000 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 13,000 बचा। अब ये 3 * 3 = 12, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 13,000 रुपये इसकी राशि आ जाएगी। तो अभिलाभ वैसे इसका कितना निकल कर आ रहा है, फिर 13,000 - 10,000 = 3,000, 3,000 अभिलाभ अगर आप निकालना चाहें तो अभिलाभ भी इसमें इसी तरह निकल सकता है। तो रोजनामचा प्रविष्टियाँ किस प्रकार होंगी, लाभ व हानि उचंती खाता यह नाम पक्ष में 13,000 रुपये, विपुल के पूंजी खाते से कितने आ जा रहे हैं 13,000 रुपये। इसी तरह एक अगला टॉपिक हमारा सेवानिवृत्त साझेदार को दे राशि का निपटारा। ये सारे ही इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने अपने पिछला टॉपिक देखा है, इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये सारे हम आपको अगले लेक्चर लेक्चर नंबर 30 में कवर कराएंगे। फिर जाने वाले साझेदारों के खातों का निपटारा साझेदारी समझौतों में दी गई शर्तों के अनुसार, जैसा कि एक मुश्त भुगतान या ब्याज सहित या ब्याज रहित जैसा भी स्वीकृत हो, विभिन्न किश्तों द्वारा भिन्न भिन्न अंतरालों में भुगतान या कुछ भुगतान नकद में तुरंत और कुछ किश्तों द्वारा जैसा भी स्वीकृत हो किया जाता है। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 लागू होगी। क्यों, अगर जैसे पार्टनरशिप डीड किसी भी कंपनी जो स्टार्ट हुई है और उसमें दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, तो अगर उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड है उसमें किसी भी तरह का मेंशन साझेदारी का मेंशन नहीं किया गया है, तो इस तरह के केसेस में जो साझेदारी की जाती है, साझेदारी का जो विवाद आता है, ऐसे विवाद को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग हल किया जाता है या उसको अप्लाई किया जाता है, जो कि यह तय करती है कि जाने वाले साझेदार के पास एक विकल्प होगा जिसके अनुसार वो या तो 6% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक या इस प्रकार लाभ का भाग जो उसने पूंजी से उपार्जित किया है पूंजी अनुपात पर आधारित वो प्राप्त करने का वो अधिकारी होगा। इसलिए सेवानिवृत्त साझेदार को कुल देय राशि का निर्धारण जो कि सभी समायोजन करने के पश्चात किया गया है का भुगतान तुरंत किया जाएगा। यदि फर्म तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो इस स्थिति में सेवानिवृत्त साझेदार को देय कुल राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। जैसा और जैसे ही राशि का भुगतान किया जाएगा ये उसके खाते में नाम किया जाएगा यानी कि डेबिट किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 30 जो आएगा उसमें हम डिटेल में आपको कवर करा देंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से हमारे बन रहे हैं आज के टॉपिक से वो हम सारे आपको अगले लेक्चर में कवर करा देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।